जय श्री कृष्णा। मानपूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना तेज चलाए कोकोनट मोदक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बनाने में भी बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि मैं इसे बिना गैस चलाए बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने लिया हाफ कप कोकोनट, और उसके बाद मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर लिया है, और फिर अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ शुगर पीसी हुई। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच चीनी ली है, और इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, कुछ एक बूंदे रेड कलर की, और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एसेंस लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ इसके अंदर, ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। और इसके बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मोदक वाला सांचा लिया है, इसे चिकना करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही चिकना है। और अभी हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे अच्छे से एकदम टाइटली, और ये ताकि एकदम अच्छे से मोदक की शेप में आ जाए, और जो एक्स्ट्रा उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा मोदक जो है वो बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी इजी रेसिपी मैंने बनाकर बता दी है आपको, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो गणेश जी की भोग के लिए मैंने यहाँ पर मोदक बनाकर तैयार कर लिया। इस पर मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स लगा दिए ताकि दिखने में और सुंदर लगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके के होते हैं, सिल्वर बॉल्स को मैंने इससे डेकोरेट कर दिया है। तो आज की एकदम ईजी रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे तरीके की रेसिपीज के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।